मेरा नाम सूर्या है, लेकिन एक साल से मेरे नाम की रोशनी मेरे नाम से ही गायब है। लेकिन इस अंधेरे में भी अगर मैं जिंदा हूं तो उसका कारण है वैशाली। कोलकाता और नेपाल दोनों ही मेरे लिए बहुत खास हैं। उनका मेरे जिंदगी में बहुत मायने। अगर एक मेरा प्यार है तो दूसरा मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य है। एक साल पहले हम यहीं पर मिले थे। मेरे अंदर जो लड़ाई 365 दिन मतलब 8760 घंटे और एक मिनट से भी ज्यादा देर से चली आ रही थी, आखिर अब खत्म होने जा रही है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर वैशाली वापस नहीं आई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ वही है, वो मेरी हर सांस में हर लम्हों में बसी है। पहाड़ पे मिलेंगे, रुक जा। गली में से पत्थर आया सर। चल नीचे उतर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं उस स्टोर को पत्थर मार रहा था। पुलिस को पत्थर मारेगा तो छोड़ेगा क्या? अंदर ले इसको। सर 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 कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए इतनी दूर इंडिया से नेपाल आया हूँ। इंडिया से? हाँ। इंडिया में कहाँ रहते हो? कोलकाता सर। ओ बंगाली? नहीं सर तेलुगु। ओ तेलुगु, मेरा बीवी भी तेलुगु वाला है, लव मैरिज। पेनफुल। साल भर से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पुलिस पे कहीं भी हाथ उठाओ वो जुर्म है। नेपाल हो चाहे भारत, 3 साल सीधा अंदर जाएगा। आलोक जी सर, चार्ज शीट रेडी कर। ओके सर। छोटी सी गलतफहमी के लिए चार्ज शीट क्यों बना रहे हैं? एक बार मुझे बस वैशाली से मिलने दीजिए, फिर चाहे तो फांसी पे चढ़ा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लव स्टोरी है क्या? जी सर। आई लाइक लव स्टोरीज। सुनाओ। पहले मिल लूं फिर सुनाता हूं। ठीक है मैं चलता हूं। ए, या तो अपनी प्रेम कहानी मुझे यहीं बैठकर सुनाओ, वरना 3 साल जेल की हवा खाओ। दो साल पहले की बात है, तब मैं और वैशाली मुझे भी ले लेते। सूर्या कहाँ मिलेगा? 5 मिनट में बाहर आ जाएगा। बच्चा भी नहीं डर रहा है, जाके ढूंढना उसको। ठीक है भाई, आज तो सूर्या को मारना ही पड़ेगा। वैसे ये दर्शन है का? कल रेवती ने उसको झटका दिया, वो अभी तक बाहर नहीं निकला है उससे। ये रेवती कौन है? जो अभी इसकी नई बहन बनी है। आ गया तू? ये रेवती के बारे में पूछ रहा है, कौन है वो? मैं गाने सुनते हुए बारिश में भीग रहा था और उसे कॉफी के लिए पूछा। फिर क्या हुआ? फिर उसने इसको अपना भाई बना लिया। ए सूर्या, सूर्या। हाँ। गाड़ी का चाबी देना। हट मेरे भाई, लगा ले तू लड़ाई, के पीछे पीछे आके साले मत लगा मलाई। मुझे क्या देख रहे हो? सूर्या उधर है ना,
तो जाके मारना उसको। मार। उड़ा दे दो मिनट में हम हिसाब तेरा। इसे क्या देख रहा है? जाके उसको देखना। अरे तू पहचानता ये लोग कौन है? ये तो कोई नए चेहरे लग रहे हैं। संभल कर। शिकार सामने है, पीछे मुड़ के देखते नहीं कभी रे हम। तू है कौन? हाँ, मिल्खा सिंह। तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा, भागो ना। अरे बता तो सही, मारने क्यों आया था? मिल्खा सिंह, तू है कौन बे? मिट्टू चक्रवर्ती। अभी आरना मुखर्जी। सच बोल। हेलो भाई, सूर्या मिल गया, क्या करना है? ये वो सूर्या नहीं। That सूर्या different, you सूर्या different। क्या? Misunderstanding। Confusion। Confusion में किसी को भी मार देगा? Small confusion। तेरी small confusion के लिए मैं मार खाऊँ? हाँ। No no no। रे 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 रे, मेरी बच्ची वैशाली दीदी कहाँ है? अभी आ जाएगी। हाँ बेटा, आ गई तुम? पापा, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारी बहन का फोन आया था। वो तुम्हारी भांजी को यूएसए भेजने की सोच रही है। अब हम क्या कह सकते हैं? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। क्या क्या? फिर किस बारे में? कल रात आपने फिर से शराब पी थी ना? अरे नहीं नहीं, सिर्फ एक ही पैक पिया था, I swear, वो भी छोटा वाला। दो, तुम चाहो तो गोखले अंकल से फोन करके पूछ लो। पापा, आप मैजिस्ट्रेट हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। तीन फाइनल हा? वैशाली। हाँ माँ। अरे सुनो, अपनी माँ को मत बताना, वो तमाशा खड़ा कर देगी। वैशाली देखते हैं।
क्या हुआ, तू पोल पे क्यों चढ़ गया? ऐसी क्या बात है? वो लड़की बिल्कुल पागल है भाई। जिस लड़की को तू पागल कह रहा है ना, उसका नाम वैशाली है और वो तुझसे प्यार नहीं करेगी। मैं तो आखिरी सांस तक उससे ही करूंगा। अच्छा, उसे पाने के लिए तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी और वो सब तुझसे होगा नहीं तो वो तेरी तो नहीं हो पाएगी। मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं। क्या यार, तू प्यार कर रहा है या फिर किसी जमीन का सौदा कर रहा है? तुम्हें उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। वो स्कूल के बच्चों के लिए टीचर जैसी है, अगर उसे समझाएंगे तो वो उल्टा हमको समझाएगी। तो फिर बात कैसे बनेगी? यही तो सवाल है ना, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग सदियों से ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि लड़की प्यार कैसे करती है। कुछ हटके करना पड़ेगा, कर पाएगा? उल्टा जाल बिछाऊंगा तो मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे ही भीगते रहे तो सर्दी लग जाएगी। अभी जो एक्शन होगा उससे गर्मी आ जाएगी। अरे भाग का रहा है। रुक, आज नहीं छोड़ूंगा। मेरे पीछे 10 लोग पड़े, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। शोर मत करना प्लीज, बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज हाथ हटाऊंगा, प्लीज चिल्लाना मत। अरे तुम चिल्लाओ मत, तुमने वादा किया था तुम चिल्लाओगी नहीं। जो मेरे पीछे पड़े बहुत ही खतरनाक है, मुझे जान से मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। इधर से कोई भागा क्या? उस तरफ गया। चलो चलो, दाएं बाएं बहुत गलियां है, किधर घुस गया होगा। चल चल। अरे की होलो नीलो, जो प्यार करने के लिए यही जगह मिला क्या तुम लोगों को? चिल्लाओगे नहीं, तुमने वादा किया था ना। ये वो जो भाग रहा था। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। और ये तुम नाटक क्यों कर रहे थे, जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें जानती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानती हो पर मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूँ। वो कैसे? 2 साल से तुमसे प्यार जो करता हूँ। क्या? मेरे मतलब 2 साल से पीछा कर रहा हूँ। मैं जानता था तुम ये समझोगी नहीं। मुझे पता है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब बिना वजह आज मेरी जान चली जाती? वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना आज मैं पछता ही नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो कोई और बुरा क्यों मानेगा? हाँ। कौन है वो? मुझे क्या पता, इतना पता है कि मेरे जैसे बहुत तुम पे लट्टू हुए होंगे
जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते होंगे। अब एक तरफा प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना? जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2 साल से तुम्हारे इश्क में डूबा हूँ वैशु। क्या मेरे मुंह से फिर से कुछ गलत निकल गया क्या वैशु? डोंट कॉल मी वैशु, सिर्फ मेरे करीबी लोग ही मुझे इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम सूर्या है, तुम प्यार से जो बुला लो मुझे मंजूर होगा, तुम सिर्फ मेरी हो। यार उन बूढ़े लोगों ने तो हमें मार ही डाला था, अगर तुम वक्त पर नहीं आते ना तो हमारी बच चुकी थी। मिस हो गई क्वीन यार। तू तो पास से निशाना लगाने में भी चूक गया दोस्त, और सपने देख रहा है कि वैशाली तेरे प्यार में पड़ जाए। जब तू पास होता ना वो तेरी तरफ देखती भी नहीं। वो तो घास भी नहीं डालती है, रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं। हम वो हैं जो एक बार बात कर लेना तो सालों तक हमें कोई भुला नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ इस वक्त अपनी सहेलियों से वो मेरे बारे में ही बात कर रही होगी। यार यकीन नहीं हो रहा, तुझे छोड़कर सारी चीजों के बारे में बकर बकर कर रही है। क्या सच में डॉक्टर है? अरे अश्लील जोक मार रही है। जो बातें हम शराब पी के करते हैं उससे भी गंदी बातें ये होश में कर रही है। जानता है एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि कुछ दाग ऐसे होते हैं जो हजार कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिटते, उसके बारे में भूल जा। कभी नहीं, किस्मत भी हमारा इम्तिहान लेती है, इसीलिए किस्मत के सामने हारना नहीं चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। ए लगेगा ना? हेलो शैलू, आ रही हूँ। हाँ तो बुक लेकर आ गई। कौन सी बड़ी डॉक्टर बन जाएगी? बहुत हेक्टिक हो जाता है। हाँ यार वो तो है। लड़के के लिए गाड़ी नहीं रोकी और लड़कियों को घर तक छोड़ता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? ये तेरे से नाराज है, वैशाली मैडम को तूने घर पे छोड़ा ना, तेरी वो क्या लगती है? वैशाली मेरी पड़ोसी है, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हमने साथ में की है। अगली बार वैशाली मैडम के साथ दिखाना तो ये तेरे को छोड़ेगा नहीं बल्कि कब्रिस्तान तक छोड़ेगा। समझ गया, सिगरेट पीना और शराब पीने की तरह ही पड़ोसी लड़की को लिफ्ट देना भी दिल के लिए हानिकारक होता है। वैशाली की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। लंबी सांस लो। नहीं उसके बाद इसे पकड़ कर रखना। हाँ। और प्रेशर देते रहना। अच्छा अच्छा ओके तो हाँ ठीक है। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप वहां चले जाइएगा। ओके हाँ ठीक है, पहुंचाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी इस बारे में। ठीक है। अरे पर पैसे कितने लगेंगे? चाय गरम हो तब पी लेनी चाहिए। वो कहाँ गया जो यहाँ बैठा था? यहाँ बाईं तरफ। अरे मैडम बायां इधर है, जाने दे अब लोग क्या करेंगे।
इतने सारे डाउट्स नहीं होते, लेकिन रुको, हे, उठो उठो, क्या है पीछा कर रहे हो मेरा? अरे ये क्या कर रही हो तुम? फिर से तुम्हारे साथ उन लोगों ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेंगे, तो मुझसे थोड़ा दूरी रहा करो। कौन देख लेगा तुम्हें? होगा कोई, तुम्हारा पुराना आशिक। तुम्हें देखता भी हो तो धमकी भरे मैसेज भेजता है, तुम्हारे साथ बात करते देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। शराफत से बैठ के दूर से एक तरफा प्यार कर रहा हूँ, पर नहीं, आके बात करोगी मुझसे? अजीब गले पड़ू है। मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या, यस। अरे यार तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई, अगर उसके लोगों ने देख लिया तो यही काट देगा। तुम समझते क्यों नहीं? ऐसा मत किया करो। मैं प्लीज इधर उधर की बातें मत करो और पॉइंट पर आओ, क्या बोल रहे हो तुम? कल उसने तुमसे बात करते देख लिया था। ओ, फिर क्या बोला? अगर प्यार किया तो, मेरा मतलब पीछा किया तो मुझे जान से मार देगा। फिलहाल हाथ तोड़ के छोड़ दिया। एक डॉक्टर को ये तक नहीं पता होगा कि किसी का एक्सरे किसी को इतना काम आ सकता है। इतना डरते हुए क्यों घूम रहे हो तुम? उसे बोल दो ना तुम प्यार नहीं करते। ये भी करके देख चुका हूँ, मैंने उससे झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, पर वो नहीं माना। क्यों? यही पूछा था मैंने कि भाई बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो बोला कितना भी झूठ बोल ले तेरी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। झूठ है तेरी। जरा तुम भी आंखों में जाके देखो, क्या तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है? हाँ हाँ, कुछ तो दिखाई दे रहा है। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो वो मेरा पीछा नहीं करके तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या बोलूं, डरता होगा कि कहीं तुम उसे ना ना कह दो, या फिर घबराता होगा कि कहीं मुझसे तुम्हें प्यार ना हो जाए, ऐसा हो सकता है। तू इतना सारा झूठ बोल कैसे लेता है? झूठ की चाशनी से ही प्यार के रिश्ते में मिठास आती है। प्लीज सिट। हे गोखले। अरे कब से राह देख रहा हूं। मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेटर है। सर, मैं उन करोड़ों कलकत्ता वासियों में से एक हूं, मेरी पहचान छुपाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। दरअसल मुद्दा यह है गोखले, कि यह कोई धनंजय पिल्लई जैसे खतरनाक मुजरिम की तरह है, जो इतना खूंखार और वहशी है कि अब तक 40 से भी ज्यादा खून कर चुका है और अब एमएलए की कुर्सी पाने की कोशिश कर रहा है, और राजनीतिक पार्टियां उसे ये मौका देने को तैयार है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। सर, जीने का क्या मतलब अगर मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता? आशा करता हूं कि आप इसे हमारे जनतंत्र का अपमान समझकर कोई ठोस कदम उठाएंगे। आपका अपना गुमनाम नागरिक। ये क्या मजा आ रहा है ना चाचा, बारिश में छाता लगा के नहा रहे हो, आपके तो मजे हैं चाचा। क्या हुआ, क्या बात है? पुलिस आ रही है। यहाँ आने की हिम्मत किसने की? न्यायाधीश प्रकाश अब उनके कंट्रोल में है। मैजिस्ट्रेट प्रकाश को मुंह मांगी रकम देकर अपनी तरफ कर लो। ये मुश्किल है, मेरा मतलब है वो न्याय के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं है। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। आज शुक्रवार है। क्या कहा? विसर्जन का 10वां दिन। आज का दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन किसी किसी के लिए अशुभ होता है। अब उनकी बात मानो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। 10 मिनट में शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। अगर तुझे लगता है कि तुझे बचाने के लिए कोई आने वाला है तो भूल जाए। आप सर कहाँ देखा है?
मैजिस्ट्रेट प्रकाश है। हाँ सर, आपने धनंजय पिल्ले को उसके किए की सजा दिलवाई है ना? सर बहुत अच्छा काम किया, एकदम करप्ट आदमी था। सर प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ कॉफी पीजिए ना, मेरा सौभाग्य होगा। आइए। मेरे कंधे को अगर कोई छूता है ना तो मैं उसका कंधा तोड़ देता हूँ। आइए सर, चलिए। कौन है जिसने इसका हाथ गन्ने की तरह मरोड़ दिया? अब उनको लगता है ये इसका फैन है। चाय खत्म होते ही टपका दूंगा। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अशुभ समय है, और अभी कह रहे हो कि चाय खत्म होने के बाद मारोगे। तुम उसे सच में मारने वाले हो या नहीं? अगर हम इस लड़के से डर गए ना तो हमारी गैंग का सर झुक जाएगा। तेरे साथ मेरा कोई पुराना हिसाब बचा है क्या? कौन सा हिसाब? हो ही नहीं सकता, हम अभी अभी तो मिले हैं। अरे बाप रे, देखा तुम सबने ये मुझे कैसे घूर रहे? तू, तेरे तो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, अब सब पिटोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको बताया नहीं तूने? नहीं बताया, आप बता दो। अब तो सबको बताना पड़ेगा। बताओ, प्यार से समझाऊं या फिर मार से? और बताओ। और ये यहाँ, ओह, इसने मुझे मारते हुए देख लिया तो मेरी मार खाने वाली इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। भागना पड़ेगा, भाग। हटो। चल के भाग गया, यही मौका है। वो देखो, हमारा शिकार वहां खड़ा है। मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारी शुभ अशुभ की नौटंकी बंद करो अभी, उसके आने से पहले गेम कर डालो। कोई भूत देख लिया क्या? दीजिए ना। क्या, कुछ अच्छा पोज चाहिए? एक मिनट रुको। अरे कुछ ढंग का पोज दे। अरे वो तो कितना आता है, अपना पोज करो ना, मार क्यों रहे हो? अरे ये देखना ले। किस तरह से मार रहा है वो? ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। हा? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे तुम जाओ ना, अभी तो तुमने कहा कि ऐसे गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे भैया, अरे सुनो तो, रिलैक्स। मुझे ये तो पता नहीं है कि तुम अचानक कहां से आ गए, पर समय पर तुमने मेरी मदद की। योर फादर मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। पद्मा, तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? पद्मा, सूर्या, तुम जाकर खेलो। डिवोर्स का रीजन क्या है विवेक? बहुत है, जैसे तुम, सूर्या और यह परिवार वगैरह, ये सब मेरे सपनों में रुकावट बनते जा रहे हैं पद्मा। आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। हमने ऐसा किया क्या है जो तुम नाराज हो?
खैर मेरी बात छोड़ो, पर इसमें सूर्या का क्या कसूर? वो तुम ही थे ना जिसने शादी के लिए जिद की थी। कितनी बार कहा था एक बार सोच लो। शादी का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, और उन दोनों में प्यार होता है, विश्वास होता है, यही कहा था ना तुमने? विवेक कुछ बोलो। डोंट शाउट। तब मैं तुम्हें पसंद करता था, उस समय सही लगा, पर अब नहीं। बस डिवोर्स के कागजों पर साइन कर दो। मैं नहीं करूंगी। इस समय सूर्या को पिता की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पर उसके भविष्य का क्या होगा? क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता। विवेक, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास है? प्लीज विवेक, समझने की कोशिश करो। क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। कैसे नहीं पड़ता? वो बेटा है तुम्हारा, हम लोगों का क्या होगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बेटा, पापा के साथ नहीं रहना। हाँ बेटा, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अरे अरे, तुम भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाओ। तुम्हें पापा की याद आती है? इन सब बातों का क्या मतलब? तुम अंदर आओ। बताइए ना। कभी कभी काश मुझे ही छोड़ देती, कम से कम आज खुश तो रहती। बकवास छोड़ो, नहीं तो मारूंगी। हाँ सच कहूं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम फिर बच्चे बन जाओ और तुम्हें गोद में उठा लूं, फिर पुराने दिन लौट आए। बिना प्यार के इजहार किए लड़की से प्यार का इजहार करवाना भी एक कला है। करेक्ट कहा सर, ये जो आप करते हैं ना, ये कला आपको जन्म से मिली है। तुम वो? मेरा नाम जेमिनी नटराजन है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। लगता है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। ये चेहरा तो कोई नहीं, मुझे पसंद नहीं कोई कंधे पे मेरे हाथ रखे। हाथ? ओ सॉरी, बैठिए ना। हेलो, आपने अपना नंबर तो बता दिया पर अपना नाम नहीं बताया। वैशाली चेरुकुरी, कितनी बार यही सवाल पूछोगे मुझसे? हेलो, अपना नाम तो बता दिया, अब मिलने का टाइम और जगह भी बता दो। कब से वेट कर रहा हूँ। हमारे पास जवान और खूबसूरत डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मजेदार ऑफर्स हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकती हैं। हाय। आप हाँ या ना कह सकती हैं, लेकिन अगर आपने इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं ऐसी जगह पकड़ूंगा जहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं होगा। मुझे याद आ गया कहाँ मिले थे। हो ही नहीं सकता, ऐसे कहाँ? पुलिस स्टेशन में, पक्का। इम्पॉसिबल, मेरा लैपटॉप खोया था तब तो मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं। तुम ट्रेन में भी आ गई? अच्छा वो ट्रेन चल रही है, वरना वो लोग मुझे देख लेते है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। हेलो शैलू, कुछ गुंडे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं है मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। मन कर रहा था थप्पड़ मारूं, ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। क्या लगता है, हीरोगिरी दिखाकर इस लड़की को गुंडों से बचा सकते हो? चांस ही नहीं है। लगता है कि वो डर के चलती ट्रेन से ही नीचे उतर जाएगा। चलो मैं निकल। हीरोइन तो निकल ली, हीरो को हीरोगिरी दिखाने का चांस ही नहीं है। तू बस देखते जा। देखते हैं। देखना आज तो चांस मारने का मौका मिल ही जाएगा। अरे मैडम थोड़ा किसको ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। इतने जोर से मार दिया इसने, चांस ही नहीं है। पागल है क्या, कोई इतने जोर से मारता है क्या? क्यों मार रहा भाई? प्रॉब्लम क्या है भाई, मार क्यों रहा है? यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाई बोल क्या रहे, मतलब तो बता दे। अबे समझाता हूँ, समझा क्या? ए ओट, अब भी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं भाई। तो लिखो। फैशन के बारे में जानना है? फैशन, फैशन।
तो कुछ बोल रहा था क्या? तुम्हें मारते हुए देखकर मुझे अच्छी तरह से याद आ गया कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। लड़कियों को छेड़ोगे? क्या बोल रहा था? आपका पर्स सर। जेब से गिर गया था क्या? नहीं सर, जब हम लड़की को पटाने के बारे में बात कर रहे थे तभी हाथ साफ किया, आपको पता चल गया। अब समझाया नहीं? समझ गया सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर की कसम। अरे तुम क्यों बोल रहे हो, वो मुझसे पूछ रहा है। वो तुम्हें कह रहा था, मुझे लगा कि मुझे कह रहा था। एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोल। हर लड़का लड़की के सामने हीरो। कौन सी लड़की? तू जाना, लड़की के जाने के बाद हीरो गिरी क्यों? उस वक्त मैं लड़की के साथ था। हाँ थे। उसके जाने के बाद किसी ने मारा। मुझे लगा आप ही ने मारा। हाँ मारने वाला मैं हूँ। हाँ। और उसके साथ जो बैठा था वो कोई और था। अगर दूसरा लड़का उसके साथ था तो मैंने दूसरे का पर्स क्यों साइड हट। जो करना है कर लो, मैं नहीं समझने वाला। सर वो दोनों एक ही आदमी नहीं है। ये सिर्फ तू और मैं जानते हैं। और हीरोइन का क्या? ये हो जाए, इस बात का चांस ही नहीं है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार आज बहुत पिटना है शायद। ये मुझे मारते वक्त क्या बोल रहा था, कोई बताएगा क्या? यत्र नारी स्तन पुंजते रमते तत्र देवताहा, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। आप समझ में आया? हाँ समझ गया सर। सिस्टर, सिस्टर। ये क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लग गई? उसने इतना मारा कि मुझे पिछला जन्म याद आ गया, और उस जन्म में तुम मेरी छोटी बहन थी और मैंने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई थी और उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली। एक मिनट, ये राखी पकड़ो प्लीज। ये राखी बांधकर मुझे पापों से मुक्त कर दो। उसने तुम लोगों को इसलिए मारा क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया। कौन है ये आदमी? तुम सच में उसे नहीं जानती? हाँ सच में नहीं जानती। हाँ एक बार मुझे किसी ने उसके बारे में बताया था, पर मैं उससे कभी नहीं मिली। प्रेम की अनुभूति क्या होती है, आज इस कथा के माध्यम से सुनिए। रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण परमात्मा से कभी मिली नहीं थी, परंतु नारद मुनि की वाणी से श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर एवं श्री कृष्ण परमात्मा के रूप और लीलाओं का वर्णन सुनकर रुक्मिणी देवी साक्षात श्री कृष्ण पर आकर्षित हो गयी और उनसे प्रेम करने लगी। छोटे भाई को दिया है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब घर पे रखा है, अभी साथ में नहीं लाया। मैंने हेलमेट पहना है। दादा मैं शरीफ लड़का हूँ, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। अगली बार मतलब क्या? चेहरे पे। अच्छा दादा एक काम करो, वार्निंग देकर छोड़ दो। अरे कैसी वार्निंग? तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। हेलो, कॉफी पीने कहीं बाहर चलते है ना? हाँ नाम बोलो। वो जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो मुझसे प्यार करता है, उसका नाम तुम्हें पता होगा ना? कोई नाम बता के मारता है क्या? नहीं मालूम।
लगता है ये वही आदमी है जिसने उन गुंडों को मारा था जो मुझे छेड़ रहे थे। ट्रेन में? इसी बात का तो डर है कि कहीं वो मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर ना देख ले। तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा, बिना बात के मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा ना। लेकिन ये कितना एक्साइटिंग है ना, मुझे तो लगता है उसका पागलपन अच्छा है। तुम्हें पता है रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण के बारे में सिर्फ सुना था, फिर भी वो उनसे प्यार कर बैठी। अब मुझे भी लगता है कि उस लड़के के बारे में जब से तुमने मुझे बताया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, और जहाँ जाती हूँ उसी के बारे में सोचती हूँ। तूने मेरी सपने में भी भाई बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। किसी भी आशिक पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आनी चाहिए। अपने दिल के जज्बात छुपाना, अपने हैंडसम चेहरे के साथ कभी सामने ना आना, ये काम इतना आसान नहीं। वो महापुरुष होगा। हाय मानव। हाय। हाय। अच्छा वो कैसा दिखता है? I mean, हाइट कैसी है? कद से तो लगभग मेरे जितना ही होगा। उसका रंग भी तुम्हारे जैसा ही है क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? वेट। क्या हुआ? तुम्हारे पीछे एक लड़का बैठा है हरी शर्ट में। और पता है वो हमें बात करता हुआ देखकर बहुत चिढ़ रहा है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। पता है मेरा दिल कहता है कि यही वो लड़का है। क्या तुम एक बार उसे देखकर बता सकते हो अगर ये वही है? प्लीज। कब से ऑर्डर नहीं करोगे क्या? वही है ना, बोलो ना, बोलो। हाँ नहीं है क्या? अरे पर तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी। मैं क्यों नाराज होने लगा? आखिर मैं होता कौन हूँ? हाँ यार, आखिर मैं हूँ कौन? तुम रुक्मणी हो, वो कृष्ण है, तो मैं कौन हूँ? कृष्ण के भाई शिशुपाल होगे। अभी के लिए यही समझो। मतलब कृष्ण के हाथों मेरा वध होना पक्का है? नहीं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें डर लग रहा होगा कहीं वो तुम्हें मार ना दे। आई थिंक आई हैव अ सॉल्यूशन। हाँ बोलो ना। मैं तुम्हें राखी बांधकर तुम्हें भाई बना लेती हूँ, फिर वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व, क्या कहते हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी जो भी कहा वो भूल जाओ, समझी? मैं तुम दोनों को मिला के रहूंगा। अगर फिर कभी मुझे मारने आए तो मैं कॉल कर दूंगा। अब जाओ तुम यहाँ से। प्रॉमिस। थैंक यू। तेरे साथ तो ये होना ही था, एक नंबर का फ्रॉड है तू। तेरे पास वैशाली के पैरों में गिरकर उसे सच बताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है। मैंने सोच लिया था कि वैशाली को सब सच बता दूंगा, इसलिए उसके कॉलेज भी गया, लेकिन श्रवण ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ए, श्रवण कौन है? ये कहानी में कहां से आया? आप ही ने कहा था ना, दूसरा रास्ता। वो उधर है लैब के अंदर। वैशाली, तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अ लॉट, बट यू ऑलवेज सेड नो टू मी। व्हाई? हाँ, और अब मुझे तुम्हें प्रपोज करने के लिए वक्त भी नहीं है। आई एम लीविंग टुनाइट फॉर न्यूजीलैंड। तुम वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरा क्या जवाब है, तो मुझसे सवाल करना बंद करो। पर क्यों? वही जानना है मुझे। तुम्हें जानने का हक नहीं है, फिर भी तुम्हें बताती हूँ। अब मेरी जिंदगी में कोई है। पता है, वो सूर्या के साथ घूमती हो। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? हेलो, हेलो वैशु। सूर्या, उसके बारे में कुछ पता चला? वही बताने के लिए आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम ये सब सुन के बहुत नाराज होगी, पर कोई बात नहीं, बताओ ना। अगर मैं कहूँ कि शिशुपाल और कृष्णा दोनों एक ही हैं, तो तुम क्या कहोगी? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्सा, रोष, नाराजगी। पहले से ही पता था, कहा था झूठ नहीं बोल सकता, पर दोस्त मानते कहाँ? छी छी। ओह, तो झूठ था। मैं पागल थोड़ी हो गया हूँ जो बोलूं कि कृष्ण शिशुपाल दोनों मैं हूँ? ये कोई बात हुई? मैं दोनों कभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। मैंने छोटा सा झूठ कहा तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई, सोचो मुझ पे क्या बीती होगी जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें जलन नहीं होती? होती कि नहीं? मैं भी जल रहा हूँ, चटके लग रहे मुझे। आ जाओ,
तुम्हें अंदाजा नहीं है लेकिन रोज हमें इस तरह बात करते हुए देखकर कोई जलता है। कौन है मैं? अरे क्या कर रहे हो? उसका नाम श्रवण है, मेरा सीनियर। 2 साल पहले वो मेरी एक फ्रेंड लता को डेट कर रहा था, वो जान देने वाली थी और अब वो मेरे पीछे है। ऐसे लड़कों को तो मारना चाहिए, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे भी न्यूजीलैंड जा रहा है तो अपने आप मैटर सॉल्व हो जाएगा। जल्दी बता भाई वो कौन है? सूर्या, जितनी कलाकारी करनी थी कर लिया, अब तो तेरा काम तमाम। हेलो, तुम्हारा आशिक आ चुका है, बस तुम अब जल्दी आ जाओ। मुझे लगता है उसे वो लड़का मिल गया। कहाँ जा रही है? जल्दी आओ ऐशु। अरे रुको रुको, खातिरदारी तो करने दो। क्यों रे, बहुत बड़ा हीरो बनता है। ये देखो कैसे मुझे घूर रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे मारना चाहता है। नहीं, मम्मी बचाओ। इसका आज तक समझ में नहीं आया कि ये चाहता क्या है, उल्टा सीधा काम करता है हमेशा। मारना है तो सीधा मारो, ये पकड़म पकड़ी खेल के क्या मतलब है? ये उल्टे सीधे काम करना कब बंद करेगा यार? उल्टा हो या सीधा, जब भी भाई ठुकाई करता है देखने में बहुत मजा आता है। खुद को तो संभाल नहीं सकता, वैशु को क्या संभालेगा। ए, चल 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 निकल इधर से, चल जल्दी। आजा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा तूने कुछ किया? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो रुक जा, जान पहचान बढ़ा ले। मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो चला सीधा अपने गांव, बोला ना नहीं जानता। अब तो जानना ही पड़ेगा। चलो ना। ए, चल जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अब जाओ ना भाई। वैशु सिर्फ मेरी है, उसके सपने देखना बंद कर दे। और केटली, चाय से ज्यादा गर्म तो तू हो रही है। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? इसे मारो। डर मत, अगली बारी इसी की है, और इसे इतने आसानी से थोड़ी मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। चल भाई, अपना सीन आ गया। सॉरी। अरे भाई दिखता नहीं क्या? अटा 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 अटा। अरे रुक। ए निकल। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? जल्दी बोलो कहाँ आना है? यहीं पे, फुटबॉल ग्राउंड। ओके। रुकना मत। क्या बोलता भाई? ये लोग कौन है? दोस्त है मेरे। ये हो क्या रहा है? जवाब चाहिए या मारना है? हाँ मारना है। ये ले मार उसको। प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। मार मार मार, जल्दी मार, जल्दी मार। अरे मारना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे लगेगी। ऐसे मारने का है, देख। प्लीज मार दिया। चल। नहीं, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। कितनी बार मारोगे मुझे? श्रवण,
इसे तो मैंने मारा भी नहीं। ऐसा मारना कि चोट ना लगे। फिर मारो। और मार। मारते रहे। अकेले लड़का देखकर उसे पीटने चले? क्या लगता है तुम्हें? मैं नहीं बचाऊंगी उसे। अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई। हाँ वैशु। तुम लोग क्या हंस रहे हो? हाँ? निकलो यहाँ से। आवारा कहीं के। बाप रे, देख लिया तुम्हारा आशिक कितना मारता है। मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया था ना लता, वो इसी के साथ थी। ये श्रवण है, अगर ये सूर्य मुझसे प्यार करता है, एक मिनट, और मुझे फॉलो करता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्या? हाँ तो कह दो ना, मुझसे प्यार करती हूँ। अगर वैशु मुझसे प्यार करती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये पूछ रही, जवाब दे इसको। मुझे अब कुछ नहीं कहना भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई वैशु? मैं तुमसे प्यार करूं, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं है, उसे तकलीफ नहीं है, और मुझे तो तकलीफ है ही नहीं, तो क्यों ना बिना तकलीफ के प्यार शुरू करें? हाँ वैशु, 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 तुमने ना कह दिया तो तुम्हें पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। क्या हाल होगा तुम्हारा? सच सुनना चाहती हो या झूठ? पहले झूठ ही बता दो। मैं आत्महत्या कर लूंगा। और सच क्या है? मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। बोलो। सुनो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो ये बात तो ठीक है, पर तुम मेरे बिना पागल हो जाओगे ये बात ज्यादा नहीं होगी? क्या बात है, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। हेलो हेलो वैशु, आवाज नहीं आ रही। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ जॉइंट पेन। हेलो, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो, और यही बात मुझे पसंद है। मुझे तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए। एक्सक्यूज मी, कंसंट्रेट हियर। तो जिसका भी चमचा है, गांगुली हो या रंगोली, जाके बोल बलदेव साय ने कभी अपने थाने में रिश्वत नहीं ली है। हेलो सुनो, एक बात पूछना तो भूल ही गई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें पसंद करूंगी? तुम में ऐसी क्या स्पेशल बात है? मेरा ब्लड ग्रुप एबीओ बहुत खास है, करोड़ों में एक का ही होता है। शादी के बाद वही खून चूसोगी। क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, आपने लंदन में कार्डियोलॉजी कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया था ना, अगले हफ्ते उसी का एग्जाम है। नहीं नहीं वो नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई, वो कुछ समय से मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ। ऐसा क्या? That's interesting. कौन है वो, क्या करता है और कहाँ रहता है? इतने सवाल एक साथ मत पूछिए। सिर्फ तीन ही तो थे क्वेश्चन। हाँ, मुझे नहीं पता, कल आप उसे लंच के लिए बुला लीजिए, खुद ही सब पूछ लेना। पापा, सिर्फ आप ही माँ को मना सकते हैं। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। नो प्लीज बाबा, प्लीज 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 प्लीज। सोचता। थैंक यू। सुनो। हाँ बोलो वैशु। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें श्रवण से इतना डर क्यों लगता है, तुम्हारी पर्सनालिटी पे ये सूट नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो क्या पता मेरे बिना तुम जी भी पाओगे या नहीं। तुम होगी ना मुझे बचाने के लिए। अब इधर उधर की बातें छोड़ो और सीधा मुद्दे पर आ जाओ, एक बार मेरी बन के तो देखो, फिर इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में साथ निभाऊंगा। कल दोपहर 1 बजे मेरे घर आ जाना लंच के लिए। शार्प 1, पापा को लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। बॉस, ये 7/50 कहाँ पर मिलेगा? वैशाली का घर। हाँ। अरे इतनी हड़बड़ी में क्यों, कोई आने वाला है क्या? अरे कुछ मत पूछ, स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं कौन आ रहा है? नहीं बताया। कभी तेरे पापा कोई सीधी बात करते हैं क्या? अरे ड्राइवर गाड़ी रुक गई। अरे बेटा रुको रुको रुको, मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे सर आप
कैसे? अच्छा हुआ पहचान लिया। यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यही एक दोस्त से मिलने आया था। यहाँ मेरी गली में? हाँ। अरे मेरा घर यही है, आओ मेरे घर आओ। सर 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 प्लीज आज रहने दीजिए, फिर कभी पी लेंगे। नो चांस। अपने दोस्त को तुम बाद में मिल सकते हो, लेकिन मैं आज अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नो वे। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया कि मैं तुमसे यहाँ मिला और अपने घर पर तुम्हें नहीं बुलाया तो मेरे हाई कमांड को गुस्सा आ जाएगा। अरे मेरा सुबह का नाश्ता सर बात समझने की कोशिश कीजिए। सूर्य कहाँ हो तुम? पापा आने वाले हैं, जल्दी आओ। बस अभी दो मिनट में पहुंचने वाला। मैं उससे समझा देता हूं। नहीं नहीं सर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। हाँ चलिए सर। तो तुम आ रहे हो? हाँ हाँ चलिए सर। ऑर्डर डोंट चीट। हाँ पापा, पापा तो आ गए। कम जानती हो ये कौन है? माफ करना मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे याद आया, ये वही है ना जिसने आपको गुंडों से बचाया था। देखो सच कहा ना, घंटी बजी। देखो हेलो सूर्य, कहाँ हो तुम? पापा आ चुके हैं। मैं अभी आरती के बीच में हूँ, पाँच मिनट में आ जाऊंगा। देखो लड़की तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन ये आधे घंटे से पहले नहीं आ सकता। आधा घंटा लगेगा? हेलो हेलो इडियट। कम कम माय बॉय प्लीज कम। आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। ठीक है। सो दिस इज माय वॉल ऑफ फेम बेटा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेट मी स्टार्ट विथ माई लॉ कॉलेज डेज। ऑफ कोर्स दे आर माई सर्टिफिकेट्स ऑफ वेरिफिकेशन। अच्छा और तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद था, और मैं क्या बताऊँ ये मेरे लिए एक नशे से कम नहीं था, यकीन मानो। क्या हुआ? ये जो राइट में है वो मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, और जो लेफ्ट में वो, और ये वाली यहीं रहती है। मैं चलता हूँ सर। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे रुको जरा, उससे मिलके जाओ। मुसीबत में फंस जाऊंगा सर, प्लीज जाने दीजिए। मुसीबत से मैं छुड़वा दूंगा। नहीं नहीं सर रुकिए रुकिए। देखो आ गई मेरी बिटिया रानी। कब बुलाया था अब आ रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। वैशु ये क्या, कृष्ण ने सही कहा था। क्या कहा था? कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये लीजिए, आ जा बेटी। हेलो वैशाली, फोटो फ्रेम में जो लेफ्ट साइड में थी ना वो वाली। और तुम्हें पता है ये कौन है? He's a gem of a person. He's a very... Please let me complete. उस दिन जब गुंडे बदतमीजी कर रहे थे तो इन्होंने... जाने दीजिए ना। Can I decide? मैं बोलूं? Please? ये वही भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता जिसने मुझे बचाया। अरे तुम थी ना वहाँ, भूल गई क्या? आज पता चला किसी को तारीफ से भी मार सकते हैं। काश इनकी उस दिन जान ही नहीं बचाता। आजकल तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? आप जरा एक मिनट अंदर आएंगे? पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसे संभालो। okay. मैं उसे संभालता हूँ। थैंक यू, आ जाओ। वैशु मैं बहुत वक्त से बताना चाहता था तुम्हें, पर इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे पापा ने माँ को मनाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है, तभी शायद वो ऐसे कह रहे थे कि तुम ही वो लड़के हो जिसने गुंडों से उनकी जान बचाई। पर टेंशन नहीं, तुमने अच्छे से हैंडल कर लिया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? झूठ बोलना पाप है, और देखो तो तुम्हारा पूरा खानदान कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है। छी छी शर्म आती है, कैसे लोग हैं दुनिया में। तुमने मुझे क्यों बुलाया? अरे ये वैशाली के लिए कैसा रहेगा, आप उसके बारे में पूछताछ करो ना। इसे मनाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी वैशाली की शादी है ना, तुम्हें वो पसंद आ गया इतना काफी है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। शादी आपको करनी है, वैशु तय करेगी, उसी से पूछ लीजिए। कुछ कहोगी या ऐसे ही चुप रहोगी वैशु? अभी कल बात करते हैं। वैशु पापा, वैशु गिव मी हाई फाइव, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, मैंने तुम्हारी मम्मी को मना लिया। सच में? वो लड़का कहाँ है? यही तो है, ये रहा वो। बाप बेटी मेरी आज चटनी बना देंगे। अरे बेटा गया काम से। जी सर। मेरी बच्ची मैं इस महान व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सूर्या के बारे में पूछ रहा हूँ। डेढ़ बज चुके, कहाँ है वो? लगता है वक्त की कदर नहीं है उसे। कह दो आई डोंट लाइक इट, फोन लगाओ उसे। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया, तुम्हें किसी से मिलना था नहीं। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, उस दिन जो मेरी जान बचाई है, मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटा। राम नाम सत्य हो जाता ये तो तय है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका के ही रहूंगा। बस कीजिए सर, आप जो कुछ कर सकते थे उससे ज्यादा कर चुके, अब मैं चलता हूँ। ओके बाय। वैशो इन्हें छोड़ के आओ बेटा, कमाल कर रहा है ये। अरे सुनो उस सूर्या को बता देना डेढ़ बज चुके हैं कब के। जब 10 लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब डर लग रहा था, तुमने झूठ बोला मुझसे। झूठा कहीं का, तुम जैसे लड़के से प्यार करना ही मेरी गलती है। अरे सुनो तो, इतने प्यार से घर पे बुलाया तुमने
और खातिर किए बिना ही भेज रही हो मुझे? क्या बदतमीजी है? आई हेट यू, आई हेट यू हक से बोल दिया। हेलो सर, मैं वैशाली से मिलने नहीं आया हूँ सर। चल निकल। नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून भाइयों और बहनों, हम आप सबके लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दिल से। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, इसे हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ। प्लीज अपने प्यारे से दिल का ख्याल रखिए, स्मोक मत कीजिए, ड्रिंकिंग और फूड हैबिट्स के अलावा बिट्रेयल, चीट हो जाना, झूठ का शिकार होना, ये हार्ट फेलियर के कारण हो सकते हैं। भले ये लेफ्ट साइड होता है पर ये हमेशा राइट होता है। कोई डाउट है? मुझे है। एक्सक्यूज मी, यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स हैं ना? मेरा मतलब है सब लोग हार्ट सर्जन्स, राइट? यस। मुझे दिल की शिकायत है, मेरी धड़कनें किसी और के लिए धड़कती हैं, कभी उसे देख के, कभी उसके बारे में सोच के, कभी कभी तो बेवजह ही थम जाती है। इस कंडीशन को हार्ट अरिथमिया कहते हैं। क्या ये खतरनाक बीमारी है? यस ऑफ कोर्स इट इज। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फेसिंग इट? ये बीमारी तब से है जब से मैं वैशु से मिला हूं। बस एक दिल मेरा था, वो भी अब तुम्हारा हो चुका है, अब तुम जो चाहे इसके साथ कर सकती हो, क्योंकि ये कहने के लिए मेरा है पर बात सिर्फ तुम्हारी ही सुनता है। प्लीज इसका इलाज कर दो। अरे जब दिल का डॉक्टर ही दिल का इलाज नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा क्या? हाँ है कि नहीं? हाँ। वैशु, वैशु, माफ कर दो यार, अरे गलती हो गई, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, अरे घमंड की भी हद होती है। बाप रे, गुस्से में तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो, वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या करूं, दिल किया तो पूछ लिया, कुछ गलत किया तो सजा दे दो। तैयार हो गए? वैशु, 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 ए, मैं यहां हूं। उसके साथ वो साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। स्टोरी तो अच्छा है लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कोलकाता और 800 किलोमीटर काठमांडू के बीच का क्या कनेक्शन है, जरा डिटेल में बताओ। क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमनेसिया, एंटीरोग्रेड, रेट्रोग्रेड, पोस्ट रोमैटिक, ट्रांसिएंट ग्लोबल। People with this syndrome may present with widely varying degree of forgetfulness. We see a combination of Vaishali. Sir. Can you tell me what is retrograde amnesia? The loss of memory, access to events or information that was learnt before the accident or the particular injury or the onset of the disease and... Yes, what do you want? Vaishali. Mar gayi. बाहर मिलते हैं। अरे मेरी हेल्प करो। अरे इतनी जल्दी आ गई? सबके सामने गले लगाते हो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ तुम्हें बता दियो मैं। क्या करता, दो दिन हो गए तुमसे मिले हुए, अब समझ में आया ऐसा क्यों कहते हैं कि प्यार में दो लम्हे की जुदाई भी आशिकों को नीचे तो उतारो सदियों जैसी लगती है। देखो अभी दो दिन नहीं मिले इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो, नेपाल चली जाऊंगी तो क्या होगा, एक हफ्ते के लिए
मेरे बिना कैसे रह पाओगे तुम? क्या नेपाल? हाँ वहीं जा रही हूँ, तुम सलाह ले लो ना अपने उसी राइटर से। जा रहा हूँ मैं। सूर्य रुको, अरे मत करो। नेपाल जाना जरूरी है क्या? कितनी बार बताऊं जाना जरूरी है, मेडिकल कैंप के लिए जा रही हूँ। आज बड़ी क्यूट लग रही हो। ओए, एक से मेरा क्या होगा? तो तुम नेपाल आ जाओ। मत जाओ ना, मेरे पास रुको। अरे चुप रहो पापा, सो रहे हैं। तुम्हारे बाप से भाई, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बाय बाय। उनकी रिपोर्ट में लिख दो। वैशु क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम ही ने तो कहा था और चाहिए तो नेपाल आ जाना, तो आ गया मैं। प्रोफेसर देखकर चल रहा है, सफेद कोट में काला पड़ रहा है। कॉफी शॉप में वेट करो, मैं वहीं पहुँचती हूँ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, यहीं पे रुको, नहीं जाने दूंगा। देख रहे हो? होपलेस। जल्दी आना। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं? ये क्या बकवास है पद्मा? क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बेशर्म इंसान, सॉरी बोलने की भी तमीज नहीं है इसे। कल्चरलेस फेलो। क्या बोला? तमीज नहीं है ना? हाँ नहीं है तमीज, क्योंकि मुझे किसी ने तमीज सिखाई नहीं। क्या करूं मैं? सूर्या ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? सर आंट यू दी ऑथर विवेक रावीपति। सूर्या तुम्हें पता है कौन है? अरे सूर्या, सर आई एम सो सॉरी अबाउट हिज बिहेवियर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क, आई रेगुलरली रीड ऑल योर बुक्स। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट हिज बिहेवियर। क्या है ये? अभी भी गुस्से में हो? देखो कितने खुश लग रहे हैं ना वो। बेवकूफ है, आज से उसकी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। अरे रुको रुको रुको, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर हम शादी करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे? चलो अभी शादी कर लेते हैं और मैं देखती हूँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है या नहीं। तो चलो शादी करते हैं। शादी? शादी बीच में कहां से आ गई? अरे अरे रुको, क्या हो गया? आज तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, कल बात करते हैं, अब शांत हो जाओ। हम लोग अभी खुश नहीं है क्या? तो खुशी के लिए शादी क्यों करनी है? हम खुश हैं, लेकिन और खुश हो सकते हैं ना। मुझे और ज्यादा खुश रहना है, मुझे और खुशी चाहिए जो शादी करके मिलेगी। अगर सच में खुश रहना है तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। प्लीज मजाक बंद करो सूर्या, तुम कह रहे हो कि हम साथ में रहेंगे लेकिन कभी भी शादी नहीं करेंगे। और क्या? सूर्या रुको, देखो मुझे लिव इन में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे करना नहीं है। और किस लिए? अच्छा समझा, तुम्हें थप्पा लगाना है कि तुम मेरी हो। ओए ये वैशाली है, ये मेरी है, लो लग गया थप्पा। जब हम दोनों बालिक हैं और राजी हैं तो समाज की इजाजत क्यों लेनी है? ये तो बताओ तुम्हें शादी से प्रॉब्लम क्या है? शादी ही तो मेरी प्रॉब्लम है।
शादी के बाद खुश रहने वाला एक भी जोड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी नहीं। खुश रहने का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा। ये तुम क्या बोल रहे हो सूर्या? क्या हम शादी करके खुश नहीं रहेंगे? अगर लोग शादी करके खुश नहीं रहते तो शादी करते क्यों हैं? ये सोचा है तुमने? समझौता, और शादी का दूसरा नाम ही समझौता है। जिंदगी भर समझौता करते रहो, और मैं चाहता नहीं हूं कि तुम जिंदगी में समझौता करो, इसलिए कह रहा हूं। हम ऐसे ही खुश है ना, समझती नहीं हो तुम? जबरदस्ती शादी शादी शादी। मैं कोशिश कर रही हूं सूर्या, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। अरे इसलिए क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती। मेरे माँ बाप ने भी लव मैरिज की थी, और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप को इस बात का एहसास हुआ कि उसे करियर बनाना है, नाम और शोहरत कमानी है, इसलिए चला गया बीवी और बच्चे को छोड़ के। अगर सच में शादी के बंधन में इतनी ताकत है तो वो दोनों अलग क्यों हुए? शादी उन्हें नहीं करनी चाहिए जो साथ जीना चाहते हैं वैशु, उन्हें करनी चाहिए जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मेरा बाप नहीं रह पाया तो क्या पता मैं भी तुम्हारे साथ ना रह पाऊं, और क्या गारंटी कि तुम आगे जाके मुझे नहीं छोड़ोगी? है खुद पे इतना यकीन नहीं है ना? आज प्यार जरूरी है, लेकिन शादी के बाद प्यार छोड़ के सब जरूरी होगा, ये चाहती हो तुम? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ सूर्या, लेकिन मैं तुम्हें ये सवाल में समझाऊ तुम्हें? मैं ही पागल था जो सोचा कि तुम तो मुझे समझोगी। जब आज हमारे ख्याल नहीं मिलते तो आगे जाके क्या मिलेंगे? कोई फायदा नहीं है, ये सबका कोई फायदा नहीं। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। रुको सूर्या, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर अभी ब्रेकअप करना चाहते हो? कैसे बेवकूफी कर रहे हो? तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, तो आगे क्यों बढ़े? माना इससे तकलीफ होगी, शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, और वक्त के साथ अकेले रहना सीख लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूर्या, हमें शादी तभी करनी चाहिए जब एक दूसरे के बिना ना रह सके। और ये समझने के लिए सच में अलग रहना होगा। अगले महीने मैं यूरोप जा रही हूं अपनी पीजी कोर्स की पढ़ाई पूरी करने। हम अलग अलग देश में रहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर, ना फोन पर बात करेंगे और ना ही मैसेजेस पर। और जैसा कि तुम चाहते हो, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। और अगर हम में से किसी को भी ऐसा लगा कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो अगले साल रिश्ता जोड़ने के लिए हम यहाँ फिर से मिलेंगे, इसी जगह पर। एक बार फिर से सोच लेना, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक से इस बारे में सोचना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। और ऐसा नहीं लगा तो? तब तक एक साल भी तो गुजर जाएगा ना, हमें एक दूसरे के बिना जीने की आदत हो जाएगी। एक साल और 800 किलोमीटर का सफर तय करके मुझे एहसास हुआ कि मैं वैशाली के बगैर जिंदगी जी नहीं सकता हूं। इतना होने के बाद कोई भी लड़की तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, वो भी एक डॉक्टर, मुझे तो नहीं लगता। नामुमकिन है। ऐसा मत कहिए सर,
अगर ऐसा हुआ तो इसी पहाड़ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस इंसान को भी नहीं छोड़ूंगा जो ये कहेगा कि वो मेरी नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज ऐसा मत कहिए, वरना मैं आपको मार भी सकता हूं। मुझे मारेगा। तुम्हारा जोक सुनकर इनको भी हंसी आ रही है। <तैयार। laughs> प्लीज कह दीजिए वो नहीं आई होगी, वो यहाँ पर नहीं आई होगी। कह दीजिए प्लीज प्लीज। मेरे हिसाब से वो नहीं आई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। उसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। जब आज हमारे ख्याल नहीं मिलते तो आगे जाके क्या मिलेंगे? इस सब का कोई फायदा नहीं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे बचाने के लिए थैंक्स।
नेपाल में अब तक भूकंप से 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा सामने आया है। क्या कह रही हो दादी? एक साल बाद वो घर आ रही है और घर आने के बजाय वो उठ जा सीधे अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है और इन्होंने मंजूरी दे दी। इस घर में मुझे कुछ भी बताना कोई जरूरी नहीं समझता। उससे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे फोन ही कर दे। ये क्या कह रही हो? कुछ नहीं कह रही। वैशाली का कोई फोन आया क्या? तुम तो रहने ही दो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसके आते ही शादी की बात छेड़ देना। तुम्ही ने कहा ना उसकी शादी उसकी मर्जी से होगी। पागल हो गई थी इसलिए ऐसा कहा। बड़ी बेटी की तो अपनी मर्जी से करवा दी, पर अब छोटी की वेंकट राव के बेटे से होगी। अगले हफ्ते मेरा चचेरा भाई अमेरिका से आ रहा है। कौन? वो चतुर रामलिंगम? वो उससे शादी नहीं करेगी। लिख कर देता हूँ। अरे मेरी चाय पी लो। चाय पहुंचो, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। सर 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 प्लीज सर, वैशाली से बात करनी है। तुम ठीक तो हो? सर प्लीज करा दीजिए। आओ मेरे साथ। हाँ। आओ, बाकी ऑफिसर्स को फॉर्म भेजो। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। हेलो। हेलो आंटी, सूर्या बोल रहा हूँ। वैशाली घर पे? हम अभी उसकी शादी की बात कर रहे थे। मेरे कजिन का ही बेटा है, अगले वसंत ऋतु में शादी कर देंगे। सुना तुमने? वैशाली राजी हो गई। वैशाली की भी हाँ होनी चाहिए ना। क्यों हाँ नहीं करेगी? वो लड़का डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। हेलो सर, तू इधर आ। अरे इधर ले जा उसको। वैशाली नहीं आई है। शुक्र है वैशाली नहीं आई। नहीं आई वो यहाँ। नहीं आई। थोड़ी देर पहले तक मुझे इस बात से बड़ी खुशी हो रही थी कि वो यहाँ पर नहीं आई। वैसे हम मिल भी जाते तो शायद किसी पत्थर के नीचे दबे हुए होते, पर अब ऐसा लग रहा है कि काश मर जाता, क्योंकि वो तो किसी और से शादी कर रही है वो। ए सूर्या सुन, मैं बस ठीक हूँ। बस थोड़ा सा खून बह रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो मेरी, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कोई बात, बस हो गया हो गया। Can I please make an emergency phone call? हाँ कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी रखना। थैंक यू। हेलो। हेलो सूर्या। वैशु, वैशु कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। पद्मा के साथ बाहर जाने वाला हूँ। कोई जरूरी काम था क्या? अच्छा आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस ये जाना था कि तुम ठीक हो या नहीं। अरे मुझे क्या होगा, हुक्म तो काठमांडू में आया है, कोलकाता में नहीं। तुम तो घर पर ही हो ना, कहीं नेपाल तो नहीं चली गई? थैंक यू। यू वेलकम। Who drew this? The girl who saved my life. Is it her? Yes, it's her. Do you know her? What is her name? Vaishali. Say thanks to her. Zarur. Surya Nepal nahi aaya, Shalini. Koi baat nahi, chhodna ye sab. Jo bhi hota hai, acche ke liye hota hai. Achha hua wo wahan par nahi aaya. Waise bhi kya hota? ज्यादा से ज्यादा हम दोनों मर जाते। और क्या? मुझे मेरा फोन चाहिए। वैशु हेलो।
जगह खाली करो। वैशु, 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 वैशो, कहाँ हो तुम वैशो, वैशो? हेलो, दादाजी। आराम से, संभाल के। Careful. मैं ठीक हूँ, घर चले पापा। डॉक्टर जब कहेंगे तब हम घर चले जाएंगे। हाँ मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं कह रही हूँ ना। डॉक्टर प्लीज। और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी? वो तो कब की भाग गई। चलो वैशाली, वैशाली नाम की कोई पेशेंट है यहाँ पे? एक मिनट। ए सूर्या, वो क्या है कि? अरे तू अभी तक इधर ही है? सर, वैशाली नेपाल में थी सर, मैंने खुद उसे अपने सामने देखा। अरे तू चल अभी ढूंढते हैं उसे, चल। मैं पता करता हूँ, तुम यहीं रुकना। हाँ इंडियन सिटीजन का रजिस्टर कहाँ है? जी सर, ये लीजिए। सूर्या, वैशाली इज सेफ। अगर वो ठीक है तो कहाँ है सर? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए। वो कोलकाता में है, उसके पापा उसको लेकर गए। थैंक यू सर। ए, अरे अपनी गाड़ी तो लेकर जा। हाँ थैंक यू। तू सूर्या को ढूंढ रही है ना? वो नहीं आया, वो रोड ट्रिप पर गया है। उसकी मॉम को भी नहीं पता वो कहाँ है। शालिनी? हाँ अंकल। संभालो इसे। ठीक है, इसके साथ ही रहना। ओके आंटी। शायद जिंदगी भर किसी का इंतजार करना बेवकूफी होती है। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट तक भूल गई थी। अब सूर्य नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। मैं उसे एक बुरे चैप्टर की तरह भूल जाना चाहती हूँ। He doesn't deserve me, you know. Vaishu. Vaishu, तू इतना क्यों सोच रही है? मैं यूरोप चली जाती हूँ शैलू। यूरोप जाने के लिए अभी बहुत टाइम है। इन सब से बाहर निकलने के लिए अपना मन किसी और चीज में लगा तो ही तू बेटर फील करेगी। प्लीज ये सब सोचना बंद कर। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ। ओके, अपना ध्यान रख। सूर्या? आंटी वैशाली घर पे? कॉलेज गई है। अच्छा। थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए सर, आपने सच में फेवर किया है। यू आर वेलकम वैशाली, यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। ओके बाय। मेरी बात मानो, कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा और तुम सूर्या को भी भूल जाओगी। मैं उसे पहले ही भूल चुकी हूँ। वैशाली मैम कैसे हो, बहुत सालों के बाद। सूर्या भाई, वैशाली मैडम रेलवे स्टेशन गई है। सही कहा वैशु। सूर्या, मैं मरते मरते बची इसीलिए शायद वो मुझे दिलासा देने आया होगा, या फिर मुझसे ये कहने के लिए कि वो मुझसे मिलने नेपाल आया था। लेकिन अब मुझसे और झूठ बर्दाश्त नहीं होते।
देखो जो भी मैंने कहा है उससे प्यार से समझा देना प्लीज। मुझे ही समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं उसे ये सब कैसे समझाऊंगी? अब वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। सॉरी। ये दोस्त है तुम्हारा? हाय, आई एम वैशाली। ओ, ये बात है। तो फिर मैं ट्रम्प। ओ नाइस। देखो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। वैशु रुको। ओए, मैंने तुमसे झूठ कहा था मैं घर पे हूँ, नेपाल में नहीं। ओ, पद्मा का नाम सुनकर नाराज हो क्या? अरे पद्मा मेरी माँ का नाम है, भूल गई तुम? जिस दिन तुम कह रही थी उसी दिन शादी कर लेनी चाहिए थी, पर देर नहीं हुई है। अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं। आ जाओ, चलो हाथ दो अपना। अरे कौन हो तुम, पागल हो क्या? शादी कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। सूर्या, तुमसे बात करनी है। सारी गलती मेरी है, जबरदस्ती उस दिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसकी अकड़ भी देखो, मुझे पहचानने से मना कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। अब वो पहले जैसी वैशाली नहीं रही। उस अर्थक्वेक में चोट लगने के बाद उसकी याददाश्त खो चुकी है। याददाश्त? मेडिकल में उसे रेट्रोग्रेड अम्नीशिया कहते हैं। रेट्रोग्रेड अम्नीशिया। वो चाहकर भी अपनी अतीत की बातें याद नहीं कर सकती है। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी पुरानी बातें। अब उसे याद आने का कोई चांस नहीं है। उनमें से एक तुम भी हो। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हो। क्या? ये क्या कह रही हो? पागल हो क्या? वो मुझे नहीं भूल सकती। तुम मेरा विश्वास करो या मत करो, लेकिन यही सच है। ए! बोला ना, नहीं भूल सकती। मेरा यकीन करो या मत करो, लेकिन तुम उसके लिए अजनबी हो। उसे उसके अतीत याद दिलाने की कोशिश मत करना, ये बहुत रिस्की है। बेहतर होगा कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। प्लीज उसे भूल जाओ। हेलो। हेलो वैशु, एक डॉक्टर होने के बावजूद तुमने एक डॉक्टर से झूठ बुलवाया। उसे समझाना बहुत मुश्किल था। क्या था उसका रिएक्शन? दरअसल वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि मेरे सामने रोना उसके लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम यही हो, तुम कब आई? तुमसे बात करते ही वो चला गया। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। एक साल से मैं उसके बारे में ही सोचती रही। शालिनी, कोई इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? वैशु, मैं तो उससे मिलने के लिए नेपाल गई थी। अरे बाबा, वो नेपाल नहीं आया तो क्या हुआ, यहाँ तो आ गया ना। हाँ वो आया, पर तुम्हारी बात पर यकीन करके चला भी तो गया। वैशु, तुम तो यही चाहती थी ना कि सूर्या तुम्हारी जिंदगी से चला जाए। हाँ, चाहती तो थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। ठीक नहीं किया उसने। बोलो सूर्या। उस वक्त तुम क्या कह रही थी? ये कि तुम उसके लिए अजनबी हो सूर्या। मतलब मेरी वैशाली अपने सूर्या को हमेशा के लिए भूल चुकी है, और अब मैं सामने भी आया तो पहचाने की नहीं। तुमने देखा ना उसकी याददाश्त? तुम उसकी यादों में नहीं हो, वो तुम्हें भूल चुकी है। तुम हंस क्यों रहे हो? मतलब मैं फिर से उसके दिल में प्यार जगा सकता हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। अब शुरू होगी एक नई कहानी कल से।
कब से नहीं दिख रहा मैडम, साइन करिए। पिछले 10 दिनों से। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या हो रहा? लो, हमने केस हाथ में लिया और ये आ गया। चलो। होश है तुझे? कहाँ चला गया था? माँ, मैं बताने वाला था लेकिन अरे अगली बार बिना बताए तो देखना। अरे माँ, सारे नेटवर्क जान दे इसलिए फोन नहीं कर पाया आपको। अरे माँ, बात तो सुनो। अरे नाराज मत हो, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज माँ। नहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है? ये सब ऐसे ही भूल जाना है? मतलब तू उसके पीछे गया, पूरा एक साल तूने उसके पीछे बिगाड़ा, तू नेपाल भी गया, वो ये सब इतनी आसानी से भूल गई? अरे यार, उसको जब सूर्या याद नहीं है तो ये कैसे याद होगा कि कौन उससे प्यार करता था, कौन नेपाल गया था। भाई अब तो क्या करने वाला है? एक ही रास्ता है। कौन सा आखिरी रास्ता? फिर से कोशिश करूंगा। मतलब वो सब फिर से करना पड़ेगा? कोई ना आ गई, शो कर। शो करूंगा, राजा आया तो। सब कुछ पहले जैसा ही करना है? वही कॉपी पेस्ट। बिल्कुल एक्शन रीप्ले। मेरे पीछे गुंडा पड़े हैं, बचा लो। अरे ये तो मुझे दिख रही है। इधर से कोई भाग कर गया क्या? कंफ्यूजन। इस तरफ। थैंक्स। नौटंकी बंद करो, इधर आओ, इधर आओ। तूने कहा था कि वैसी की वैसी है, लेकिन वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं। बाप जा जा उसका, तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या हुआ? नहीं मिला वो? वो इधर ही होगा। वो ढूंढ रहे, ढूंढ रहे। ये वो देखो, उस तरफ वो भाग रहा है। ए रुक, भागा भागा भागा। ये 40 की स्पीड में कहां से आ रहे हो? वही एक्शन रिप्ले होगा। मतलब पहले की तरह मार पड़ने वाली है। चालान कटेगा तुम्हारा। हम फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे सर, और बॉल वहां। तुम्हारी प्रैक्टिस तो मैं कराता हूं। बहुत बढ़िया, हमारे इलाके में आ गया। देखो, शुभ मुहूर्त का इंतजार करने से अच्छा है इसका काम तमाम करते हैं। तलादा, ए तू दल देख। गुंडा लोग। अरे कहो तुम लोग। आज तू नहीं बचेगा। हमारे तंगुल में फंस गया। यार पहले ही मेरा काम बन नहीं रहा है, तुम लोग और दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। चलो। हम लोग फालतू की बातें करने क्यों बैठ जाते हैं? सीधे सीधे मिटाओ ना इसे। क्या बोला? यही हमारा काम है। I'm sorry, करना पड़ेगा। मुझे मिटाएगा? मुझे मिटाओगे तुम लोग? पहले उसकी यादों से मिट चुका हूँ मैं, तुम लोग और मिटाओगे? मुझे भूल चुकी है पहले ही वो, और मिटाओगे? कैसे भूल गई हूँ मुझे? तुम मेरी क्या गलती? पता है दोबारा उसका दिल जीतना कितना मुश्किल है? वो है कौन? वो है के चने चबाने जितना। मार मुझे, मार लो। अरे इतनी रिक्वेस्ट करा तो मारना। और जोर से मार, और जोर से। ये ले। एक्सक्यूज मी। ओ मैडम, दिखता नहीं 10 लोग एक अकेले आदमी को मार रहे हैं? तुमसे पूछ रहा हूं, लगते क्या हो जो बीच में पड़ूं? फ्रेंड हो तुम मेरे, फैमिली मेंबर, भाई हो? बॉयफ्रेंड हूं, नहीं समझी ना?
शुरुआत में समझने में दिक्कत होगी पर धीरे धीरे सब समझ जाओगी तुम। प्यार से लोग मुझे कार्तिक कहते हैं। अब जाओ। ये राजा ये रानी तू कौन है पता है ना? समझा क्या? जोकर। हमें लगा था कि मनगढ़ंत स्टोरी के बाद सूर्या चला जाएगा लेकिन वो तो कार्तिक बनकर वापस आ गया और इस बार वो तुमको मना कर ही रहेगा। वो सच में हीरो है। तो क्या मैं विलेन लगती हूँ? मेरा मतलब है तुमने उसे दूर भगाने के लिए डॉक्टर टर्मिनोलॉजी का सहारा लिया। जब उसे पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो तो सोचा है क्या होगा? कैसे पता चलेगा उसे? बिना तैयारी किए एग्जाम में ग्रेड नहीं मिलते। अच्छे से रिसर्च किए बिना तुम उसे ये कैसे विश्वास दिलाओगी कि तुम्हें रेट्रोग्रेड अमनीशिया है? ये कॉफी अभी तक क्यों नहीं आई? कितनी देर हो गई? दादा कॉफी का ऑर्डर दिया, आधे घंटे हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा? अरे वैशु तूने तो अभी कॉफी पी, भूल गई क्या? भूल गई। एमनीजिया कैसा लगा? अरे वाह तू तो सच में एक्ट्रेस निकली। ऑस्कर अवार्ड भी तेरे लिए कम पड़ेगा। क्या बात है, मेरा इंतजार कर रही हो? लड़कियों के आगे पीछे घूमने के अलावा कोई काम नहीं है? सर सर आप फुटबॉल प्लेयर कार्तिक है ना? आपने क्या गोल किया था सर्कल? बहुत चुप कर। मैडम आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? आप बहुत भाग्यशाली है मैडम, बहुत जल्दी ये बंगाल टीम के कैप्टन बनने वाले हैं। तेलुगु लोगों का सिर ऊंचा कर दिया इन्होंने। मैम इनके साथ एक सेल्फी, सेल्फी प्लीज सर। उसने फोन फेंक दिया। चिढ़ गई बेचारी, बहुत चिढ़ गई। वैसे जितनी ओवर एक्टिंग तू कर रहा था ना, ये तो होना ही था। ए, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था तो तू क्या कर रहा था? सॉरी, उसने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। उसे लगा होगा तारीफ करेगा तो इम्प्रेस हो जाऊंगी। तारीफ से तो पता नहीं पर नीचे नहीं देखा तो जरूर डूबोगी। छोड़ो मुझे। छोड़ दिया तो डूब जाओगे, प्यार में नहीं पानी में। मत छोड़ो मुझे प्लीज। मैं थामे रखूंगा ना तब भी डूबोगी मेरे प्यार में। क्या क्या हो रहा है देश में? अरे बाप रे ये देख, सूर्या तो सच में कैप्टन निकला फुटबॉल टीम का। तुम्हारी एक्टिंग तो मुझे समझ ही नहीं आती। तुमने तो सूर्या को रिजेक्ट किया था ना? मैं तो आज भी नहीं बदली हूँ। लेकिन दूसरों को ऐसा नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं। आखिर उसने किया ही क्या है? मुझसे प्यार किया है। ये बात मुझे नहीं उससे बता। कॉन्ग्रेचुलेशन, लगता है मेरा दोस्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हेलो, मुझे झूठी तारीफें करवाने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है मैं क्या हूँ। बस तुमसे जान पहचान बढ़ानी है और वो तो मैं बढ़ा ही लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। सुनो तुम शॉपिंग करने के बाद मुझसे मिलना। हाँ। मैं राकेश से मिलने जा रही हूँ। बाय बाय। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। हेलो डॉक्टर राकेश, आप डॉक्टर वैशाली हैं? या वो आपका इंतजार कर रहे हैं। रूम नंबर 102। थैंक यू, वेलकम। हाय राकेश। हाय वैशु, यू आर लुकिंग ग्रेट। हां थैंक यू। कम ऑन बैठते हैं। चलो चलो डाउ 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 जल्दी जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ, निकलो निकलो निकलो, बस बस हो गया हो गया, चलो निकलो निकलो।
अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो यार, निकलो निकलो निकलो, मेरा काम बन गया। आज एक सोशल वर्क पूरा हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या किया मैंने? वो मेरी कार है। वो तो मैं जानता हूँ। अब वैशु जाएगी मेरी बाइक पे, तुम्हारी कार कल शाम तक तुम्हें मिल जाएगी। ओके, ये लो चाबी। अरे टैक्सी आ गई, टैक्सी टैक्सी। यस, यहाँ भी आ क्या? एक्सक्यूज मी, मैं कार से आई थी, आपको तो ठीक से याद होगा ना, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं भी हवाई जहाज से आया था, यहीं कहीं पार्क किया था, तुमने देखा क्या? कोई मिला नहीं, सुबह सुबह आ गई जोक करने। अगर ये याद है कहाँ जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। चढ़ाई से जोर लगाओ। ओ अच्छा, तो चले। हाँ चलो ना। अरे खींच ले, चलो 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 आगे निकलो। ट्रैम्प हो और उसमें खाली सीट हो और पास में वैशाली, क्या कॉम्बिनेशन है यार। कितनी लड़कियों को ऐसा कह के पटा चुके हो? तुमसे ही तो कहा था मैंने, मतलब पिछले जन्म में किशोरदा होते तो वो खुद गवाही देते, पर तुम फिर भी नहीं मानती, जालिम हसीना। क्या आप तेलुगु हैं? सर मैंने आपको कहीं देखा है। चांस ही नहीं है, मैं तो आज ही कोलकाता आया। क्या बात कर रहे हैं, उस दिन तो ट्रेन में मिले थे। बोला ना नहीं देखा। पक्का नहीं देखा। ऐसे आवारा लड़कों से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम जैसे, मतलब वैसी लड़कियां, पर तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें और उनमें बहुत फर्क है। घमंडी, मुझे समझ में नहीं आता वैसी लड़कियां इतना घमंड करती क्यों हैं? ऊपर वाला बचाए उनसे, घमंडी लड़कियां देख के मुझे तो चिढ़ होने लगती है, बर्दाश्त नहीं होता। तुम में दिल है भी, किसे दोष दिए जा रहे हो? मैं तो उन्हें कह रहा हूँ तुम क्यों बुरा मान रही हो। जैसे हर लड़का बुरा नहीं होता है, वैसे हर लड़की वैसी लड़कियों की तरह थोड़ी होती है। तुम मेरी हर बात का गलत मतलब निकालती हो। सर मुझे याद आ गया, उस दिन जब गुंडों ने इनको ट्रेन में छेड़ा था, तब सर आपने उनका क्या चूरमा बनाया था, करेक्ट कहा था, ये बहुत घमंडी है, पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। क्या ये वो लड़की नहीं है? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। दोनों एक ही तो है सर। ये बात सिर्फ तू और मैं जानते हैं। और उस लड़की का क्या? उसे नहीं पता, उसकी याददाश्त जा चुकी है। मेरा स्टेथोस्कोप। आप घमंडी नहीं है बल्कि जल्दी में थी, इसीलिए इसे बिना लिए उतर गई। कान में डाल के क्यों बैठा था? मेरी माँ बहुत बीमार है सर। सॉरी एंड थैंक्स। सूर्या, हाँ, जब वो तुम्हें इतनी बार मना कर चुकी है फिर भी तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? सूर्या उसके दिमाग से निकल सकता है पर दिल से नहीं। मुझे भूल के वो खुश नहीं है और यही बेचैनी बता नहीं पा रही है। तुम तो सच में पागल हो सूर्या। वैशु का चचेरा भाई अगले हफ्ते यहाँ आ रहा है और वो वैशाली से शादी करके उसे अमेरिका ले जाने वाला है। मुझे लगा तुम्हें ये बात बता दूं। ठीक है चलता हूं। Yeah, Alex. Just reached my aunt's home to get married. Yeah, of course, with Vaishali. You guys should come. अरे रामू। I'll call you back. वहाँ क्यों खड़े हो? ऊपर आओ ना। हाँ, अभी आया। अमेरिका जाने के बाद तुम कितने गोरे हो गए हो, मोटी भी हो गए हो। मैंने तो कह दिया वैशाली से, वजन तो कम हो जाएगा, शादी। आपकी बातें सुन के कोई भी पतला हो जाए। चतुर रामलिंगम फ्रॉम अमेरिका, अभी अभी आया क्या? हाँ अंकल। हाँ अंकल, वैशाली कहाँ पर है? इतने साल से उसे देखा नहीं तो उसे देखने को आंखें तरस गई। अच्छा, ये देखो वैशाली, देखो बाद में मिलते। सुंदर है ना? फोटो क्यों दिखा रहे हो, घर पे नहीं है क्या? अभी तो 5 ही बजे, आधी रात से पहले वो घर थोड़ी ना आएगी। हमें तो इसकी आदत है, तुम्हें भी हो जाएगी, तुम फ्रेश हो जाओ। अमेरिका से इंडिया आया शादी करने के लिए, ये सोच के कि शरीफ लड़की मिलेगी, यहाँ पे भी ये सब नॉर्मल हो गया है क्या? I like it. इस रिएक्शन के लिए मैंने अमेरिका तक छोड़ दिया, कैलिफोर्निया से कोलकाता पहुंच गया। मजाक बंद करो, कॉफी के लिए थैंक यू। वैशु कम ऑन, मैं तैयार हूँ।
चावल का कंकड़। अकेले क्या करूंगा, मैं भी दौड़ता हूँ। अंकल अगर आप इस साइड आ जाएं तो वैशाली से बात कर पाऊंगा ना। ठीक है, कोशिश करो। याद है वैशु, जब स्कूल जाते थे तो ऐसे ही दौड़ के स्कूल जाते थे और तुम हमेशा फर्स्ट आती थी। हाँ, मैंने सुना है, माँ कहती थी कि हम दोनों बचपन में साथ में पढ़ते थे, लेकिन मुझे अब तो कुछ भी याद नहीं। हाँ हाँ, छठी क्लास तक, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। सिक्स क्लास से क्या पसंद आया? तुम मुझे बहुत सच्ची लगती थी, इतना काफी नहीं है? सिस्टर, सिस्टर कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं ट्रेन में मार खाई थी, फिर राखी बनवाई। अच्छा भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक है ना? आई एम फाइन। अच्छा चलता हूँ। कंफ्यूज्ड आदमी। मैं बगल में ही तो खड़ा था, मुझसे सीधे पूछ लेता ना वो। तुम्हारा ये भाई बड़ा अजीब है। अरे पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? आजकल की लड़कियां सचमुच बड़ी निर्दयी हो गई हैं। वो लड़के के मुंह पे ना बोल सकती है जिससे वो प्यार करती थी। वर्स्ट जनरेशन। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे बारे में। थैंक यू, इट्स ओके। मेरी बेटी वैशाली, नाम तो सुना ही होगा। अच्छी तरह से। इसी डॉक्टर ने तो मुझे मरीज बनाया है, इसे कैसे बोल सकता हूँ। ये बहुत ही संगीन जुर्म है, इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। It should be a punishable offense. सख्त सजा। पापा, एक तरफा स्टोरी सुनके आप जजमेंट कैसे दे रहे हो? तो अपनी दलील पेश कर सकती हो। आप कौन? कार्तिक। ओ, चतुर। आपके जजमेंट और वैशाली के आर्ग्यूमेंट दोनों में क्या कनेक्शन है? वो आगे निकल गई। ओ, और सुनना कि मैं जॉगिंग पे जाऊं। ओ नो, आज के लिए इतना ही काफी है। बेटा, वो कौन अभागन है जो बोलती है तुम्हें भूल गई है? नाम बता दिया तो यही लुढ़क जाओगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम सुन के मैं क्यों लुढ़कूंगा? मतलब उसका नाम ही इतना खूबसूरत है। भाई साहब। हाय सिस्टर। तुम इसे जानते हो क्या? लगता है बिजी है। मैं तो नहीं जानता, मगर इसकी बातों से लगता है ये मेरी होने वाली बीवी का हो चुका भाई है। भाई साहब, बहुत दिनों बाद मिले। बिल्कुल नहीं, हम तो यहीं आके मिले। बिल्कुल ठीक। सिस्टर से मिला तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं उसके बगल में ही था, देखा नहीं क्या? मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अरे मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। अरे क्या कंफ्यूज कर रहे हो, इसके बारे में उसके बारे में। भाई साहब शर्म किया करो, झूठी जोड़ियां बना के शरीफ लोगों से पैसे ऐंठते हो तुम। इन्हें शहर में नया और अकेला मत समझो, मैं हूँ इनके साथ, समझे ना? सही कहा ना? हाँ सर, मैं बदल गया हूँ सर। सच निकल, निकल जल्दी, चल निकल यहाँ से। यकीन ही नहीं करता। मुझे माफ कर देना। किसलिए भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है और आप इसे मुझे बताने से रोक रहे हैं, ये मेरी गलत फहमी थी। प्लीज यू हैव टू एक्सेप्ट माई अपॉलोजीज सर। थैंक्स फॉर सेविंग मी। ओके चतुर, ओके, मिलते हैं। बेचारा कितना दुखी हो गया। ए फॉर एप्पल, पी फॉर, पी फॉर फोन, फोन, गुड गर्ल। हाय राकेश। हाय, देर हो गई? वही रीजन, सूर्य मतलब कार्तिक की वजह से। पता नहीं उसे खुद से दूर कैसे करूं, मुझे नहीं लगता कि वो हार मानने वाला है। मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ? मजाक था, तुम हंस सकती हो, कोई मारेगा नहीं। ऐसे जोक मारोगे तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगी। कल सेमिनार में आ रही हो ना, तो साइकोथेरेपी उन लोगों के लिए इलाज का पहला स्टेप है जो अपने व्यवहार से परेशान हैं। दो तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वन इज नॉर्मल और दूसरा एक्सेंट्रिक। पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लस्टर बी के बारे में। क्लस्टर बी में वो लोग आते हैं जो बहुत जज्बाती होते हैं, खतरा महसूस होने पर दूसरों पर हमला करते हैं। हाँ, वही चचेरे भाई को भी साथ लाई हूँ। क्या करती, घर पे बोर हो रहा था इसलिए उसे भी ले आई। कितनी भीड़ है, नजर भी नहीं आ रही है कहाँ पे है वो। ए, फोन वापस कर। तू इधर क्या कर रहा है? मैं हमेशा भीड़ में मिलता हूँ, यही मेरा काम है। आप डॉक्टर सूर्या? डॉक्टर भोसले। के okay. नीचे जो हड्डी होती है वो चला गया, बस कर। अब ये बता, मेरी वाली कहीं नजर आई क्या? नई वाली या पुरानी वाली डॉक्टर? जानता हूँ दोनों एक ही है। वो रही वहाँ पर, ताली मार रही है।
वैशु जरा इस फाइल को देखना। मुझे लगता है कि जल्दी जाना ठीक रहेगा, नहीं तो सटकू आ जाएगा। मेरा मतलब यहाँ तो सब सटकू ही है, वैसे भी बेचारी की यादाश्त। हेलो, कोलकाता में मुझसे बड़ा सटकू और कोई नहीं है। अभी तक सटकू को गाली समझता था। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अरे आपको तो टाई पहननी भी नहीं आती, अब ठीक हो गए। अच्छा सुनो, ये जो रिपोर्ट तुमने मुझे दिखाई है उसके हिसाब से इन्हें टेस्ट करवानी चाहिए। हाँ वो मैंने चेक तो कर लिया। अरे ये क्या बच्चों की तरह। आप यहाँ हो इसीलिए हीरोइन ओवर एक्टिंग कर रही है। वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। एक्टिंग ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब उसे देख नहीं रहे। पहले डिसाइड कर देखूं या ना देखूं। टॉस कर लेते हैं डॉक्टर। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए। आई थिंक ये मेरे हाथों बहुत पिटेगा। तो क्यों ना हम लोग अपने इस रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाएं, शादी कर लें क्या? आपके दिल का दर्द मेरे कंधों पे उतर रहा है, जाओ जाके इलाज कर दो उसका। सही कहा। I'm sorry, तुम कुछ कह रहे थे? लगता है और इमोशन डालना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया वैशु। थैंक्स डॉक्टर, हम जल्दी मिलेंगे। I'm sorry, मैंने सुना नहीं। अब किस जबान में समझाऊं इसको? किसी भी जबान में बोलो, पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी बात समझनी नहीं है। मैं तुम्हें चतुर कार्तिक, तुम यहाँ कैसे? अकेले आए हो या गर्लफ्रेंड साथ में है? उसी से बात कर रहा हूँ। फोन पे। तुम कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना? करो। हाँ, भूल गया था। हाँ, क्या बोल रही थी? अब से ना इंग्लिश में बोलूंगा ना हिंदी में, अब से मैं सिर्फ प्यार की भाषा बोलूंगा। अबे जितनी भाषा बदलनी है बदल ले, समझा? तेरा मामला तो रफा दफा करके ही रहूंगा, खुद को लंबा मत समझ, जल्दी लंबा कर दूंगा। नहीं, जी फोन पे बोल रहा हूँ। आप लोग बात करो। जा रही है। फिर से भूल गया, किधर गई ये, कहाँ चली गई? वैशु। हाय राकेश। हम मिलने वाले थे ना, भूल गई क्या? बिजी हो डॉक्टर सूर्या? यस डॉक्टर, जय कृष्णा। क्या आपको बचपन से ही लोगों के दिलों से खेलने की आदत है या फिर आपने कोई कोर्स वोर्स किया है सर? बेटा प्यार और जंग में ना सब कुछ जायज है। लो आ गया। आ गया क्या? कार्तिक। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। करूंगा चतुर, बोलो क्या करना है? जब मैं उसके साथ होता हूँ तो वैशाली की नजरें किसी को ढूंढ रही होती हैं। मैं उससे बात करता हूँ तो वो किसी और की आवाज सुनने की कोशिश करती है। फोकस डॉक्टर। यस। कहीं तुम्हें शक तो नहीं हो रहा कि उसकी आंखें मुझे ढूंढती हैं? उसके कान मेरी आवाज सुनना चाहते हैं। ऊंचे से शरीफ नेक इंसान पे शक किया इसने यार। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वैशाली से तुम प्यार करते हो, लेकिन वैशाली किसी और से जरूर प्यार करती है। हाँ कौन है वो? वही तो तुम्हें पता लगाना है। ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप जान के बोल रहे हैं अनजाने में? मैं जान के ही तो बोल रहा हूँ, अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? अरे पर मैं यहाँ नया हूँ ना, इसीलिए कार्तिक से मदद मांग रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा। अरे कार्तिक कहाँ चल दिए? हाँ तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ यार। ओके, अच्छा आदमी है। कौन? यही। एनआरआई डॉक्टर सब ऐसे ही होते हैं। पढ़ाई तो इंडिया में ही की थी ना? आपने इंडिया में पढ़ाई की लेकिन इंडिया नहीं आते क्योंकि यहाँ के लोग जिंदगी और पर्स दोनों मार लेते हैं, जो ढूंढने से नहीं मिलता। ये दूसरा अच्छा आदमी। राकेश प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। वैशाली अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब अगर तुम इसे मेरी धमकी समझोगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, चाहे सूर्या तुमसे प्यार करे या ना करे, तकलीफ तो तुम्हें ही झेलनी पड़ रही है ना, क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर कर रही हो? तुम क्यों मुझे परेशान किए जा रहे हो? हाँ तुमसे जो भी बोला है उसे भूलना मत, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। टेक केयर। कौन है ये? सुनो आज नहीं। तो फिर टेंशन में क्यों देख रही हो? कोई तो बात है इसलिए तो परेशान हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें क्यों लगता है हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी है? मेरा पीछा करना बंद करो। ए, पागल हो गई हो क्या? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? पास रहती हो मगर ऐसा लगता है कि कोसों दूर हो। कहती थी कि मुझे खोना नहीं चाहती और अब जिंदगी से निकालने की बात करती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो। चाहे 100 बार यादें मिट जाएं, मैं फिर उनमें आके बसूंगा।
क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? भूल जाओ तुम मुझे। मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या रे, क्या चाहिए तेरे को? हाँ वो चाहिए मुझे, नहीं दे सकता ना तो निकल यहां से। कार्तिक, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, उसका कुछ पता लगा? वैशाली किसी और से प्यार करती है कि नहीं? उसका प्यार और किसी के हिस्से में नहीं है। तुम खुश नसीब हो चतुर। माँ! दीदी मेरी बहू क्यों चिल्ला रही है? माँ! क्या हुआ? आपने मेरी फाइल्स देखी है क्या? 100 बार पूछ चुकी है और एक बार पूछा तो इससे मारूंगी। भाई भाई भाई, तुमने मेरी फाइल देखी है? एक हफ्ते से तो तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी फाइल कहाँ से दिखेगी? वैशु, एक हफ्ते से तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ लेकिन तुम मिलती ही नहीं हो तो बात ही नहीं हो पाती। देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको क्या बात करनी है मुझसे। हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। झूठ मत बोलो मेरे साथ, चलो सच बताओ। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलती। आपको पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। आंटी को इस बारे में पता है क्या? उन्हें कुछ नहीं पता। और अंकल को? उन्हें पता है, बल्कि पापा जानते हैं कि वो लड़का कौन है, उससे मिल भी चुके हैं। पापा जरा एक मिनट यहाँ आओ ना। बोलो। ये शादी नहीं होने वाली है। क्यों? वैशाली किसी से प्यार करती है। मुझे नहीं लगता है, वो झूठ बोल रही है। उसके सामने अपनी होशियारी मत दिखाना। मैंने वादा किया है कि वैशाली हमारी बहू बनेगी और यही फाइनल है। क्यों रे रामू, लड़की पसंद है ना? क्या हुआ, पसंद है तो फिर परेशान क्यों? आंटी को कुछ तो आइडिया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसीलिए वो सवाल पूछती रहती है। मेरे डैड को आइडिया भी नहीं है और वो सुनते भी नहीं, पर आपको तो सब कुछ पता है, टेंशन काय को दे रहे हो यार? तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैशाली किसी और से प्यार करती है? हा? किसे प्यार करती है? अरे मगर आप तो उसे जानते हैं ना। आजकल वैशाली मुझे बहुत सारी बातें बताना भूल जाती है। छोटू ये क्या चल रहा है? एक्सीडेंट हो गया है फुटबॉल प्लेयर का, बचने का उम्मीद नहीं है। पेपर पेपर पेपर, फुटबॉल प्लेयर का एक्सीडेंट हो गया। ओ हाय, डू यू नो वेयर शालिनी इज? वो फोन नहीं उठा रही, वो ओटी में है, कोई इमरजेंसी केस है, किसी फुटबॉल प्लेयर का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप? क्या हुआ?
क्या बात है? जब उन्होंने बताया कि उस फुटबॉल प्लेयर का ब्लड ग्रुप क्या है तो मैं एकदम घबरा सी गई थी, पर मैं बहुत खुश हूँ वो सूर्या नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब वो तुम्हारे सामने आता है तुम उसे डांटती हो, अब तुम्हें लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो तुम घबरा गई। तुम चाहती क्या हो? तुम सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो क्योंकि सूर्या नेपाल नहीं आया, उसके बारे में भी तो कभी सोचो। मेरा सूर्या आया था मुझसे मिलने नेपाल। अगर ये बात जानती हो तो उसे दुख क्यों दे रही हो? दुनिया में हर काम किसी को अगर चोट पहुंचाने के लिए किया जाए तो माँ की कोख से कभी कोई जन्म ही ना ले शालिनी। अरे कब आई तुम? मुझे कुछ याद नहीं। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि मेरी सारी पुरानी यादें मिट चुकी हैं। बहुत खुश नसीब हूं मैं। अब तो माँ पापा को भी मेरी बीमारी का पता चल गया, बहुत परेशान हो चुके हैं दोनों। पापा तो टूट गए हैं पूरी तरह, और पता है क्या, सबसे ज्यादा मुझे डर लगता है कि मैं सूर्या की सारी यादों को भुला दूंगी। अपने आप को उसकी यादों से दूर रखो। क्या कह रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगा था कि वो बीमारी के बारे में जानकर मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन ये तो उसके लिए एक और मौका हुआ मुझे अपना प्यार दिखाने का। हर प्यार हो गया, हर बार मना करती हूँ फिर भी प्यार करने लग जाती हूँ। उसने मेरे लिए रास्ता ही क्या छोड़ा। हर बार सोचती हूँ कि प्यार नहीं करूंगी, पर प्यार हो ही जाता है उससे। क्या रास्ता छोड़ा उसने। अच्छा ये बताइए, स्टेटस क्या है बीमारी का? हिप्पोकैम्पल एंट्रोपी, 40% खत्म हो चुकी है। आसान भाषा में समझाइए ना प्लीज। पहले की वो सारी यादें जो तुम्हारी अपनी हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की तरह है, एक छोटी सी आवाज भी उन्हें उड़ा सकती है। बस इतनी सी ही आवाज। हम नहीं जानते कि साइंटिफिकली ये होती है नहीं, बायोलॉजिकली भी ये होती है नहीं, पता नहीं, फिर भी हम उसे महसूस करते हैं, उसे फीलिंग्स कहते हैं। लेकिन दिमाग, उसे हमेशा लॉजिक चाहिए। दिमाग को हमेशा लॉजिक चाहिए, लेकिन दिल को फीलिंग्स चाहिए। दिल को उसकी पसंद का मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, अगर नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है, और यही सच्चाई है। अगर आपको पता चल जाए कि आप कैसा जीवन चाहते हैं या फिर जैसा आप जी रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में कोई दूरी ना हो, बल्कि किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत समझौते करने पड़ते हैं। तब आप जानेंगे कि फीनिक्स राख से निकलकर कैसे ऊंचा उड़ता है। सर एक सवाल है सर। प्लीज सर, मेरी शादी हो गई है पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो क्या करियर में कुछ कॉम्प्रोमाइज करूं? ठीक 22 साल पहले मेरे सामने भी यही सिचुएशन थे। आई डिवोर्स्ड पद्मावती एंड आई फॉलो माई ड्रीम्स, हियर आई एम। अपनों को छोड़ देना, क्या यह भी आसान होता है सर? हाँ, इतना मुश्किल भी नहीं जितना एक साथ रहना। I really mean it. जो साथ जीने की कसमें खाते हैं लेकिन बीच रास्ते में ही धोखा देकर चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छाई बुराई धोखेबाजी, ये शब्द सिर्फ
डिक्शनरी में अच्छे लगते हैं, असल में नहीं। अगर उसके साथ रहता तो उसे ज्यादा तकलीफ होती, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। अब वो जहां भी होगी खुशी होगी। इसका फैसला आप नहीं कर सकते। हो सकता है वो हर हाल में सिर्फ आपके साथ ही जीना चाहती हो, वो भी उनकी आखिरी सांस तक। सच्चा प्यार इसी जज्बात को कहते हैं, पर जज्बात समझना सबके बस की बात नहीं, जैसे आप नहीं समझ सके क्योंकि आप में जज्बात है ही नहीं। I already told you I don't have it. In fact, nobody has it. इसीलिए मैंने पद्मावती से कहा कि वो मुझे भूल जाए। क्या साथ रहने के लिए दर्द सहना जरूरी है? हाँ? आखिर बोझ क्यों ढोना? उसे बोझ नहीं कहते, जिम्मेदारी कहते हैं। मुश्किलों से डर के कोई अपनों का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि कठिनाइयों से लड़के ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने जब दो मीठे बोल भी बोल देते हैं तो जिंदगी सवर जाती है, पर वहीं अगर एक भी कड़वा बोल बोलते हैं तो जहन्नुम बन जाती है। शायद तुम इस अजीब एहसास की शिकार बन चुके हो। भूल जाना बहुत आसान है। लर्न टू मूव ऑन, ट्रेन योर ब्रेन यंग मैन, इट्स सिंपल। आपने शायद अपनों को अपना नहीं समझा, क्योंकि अपने सिर्फ यादों में नहीं बसते बल्कि रग रग में बसते हैं। हेलो, मुझे समझ आ गया है कि मैं कहां पर गलत थी। तुमने कहा था ना कि मेरे घर के पास एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो क्या कर ले शादी? क्या? मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम आओगे ना? कहां जाना है साहब, बोलो ना कहां जाना है? रजिस्ट्रार ऑफिस। हमारे पास वक्त नहीं है, चलो शादी करते हैं, याददाश्त जाने से पहले प्लीज हम शादी करते हैं, चलो। वैशु, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। मैंने सब कुछ कर लिया, तुम बस चलो। नाम? कार्तिक। पूरा नाम? सूर्या रविपति। सूर्या है या कार्तिक? सूर्या रविपति। सूर्या। सूर्या? हाँ। पेरेंट्स? रविपति पद्मावती और फादर नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ? अनंतपुर धर्मावरम। वेल, डेट ऑफ बर्थ? 9/5/1984। मजाक करना बंद करो। 9/5/1986। अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं, आ जाओ। अरे कौन हो तुम, शादी कर लेते हैं? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी पुरानी बातें, अब तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हो। मेरी वैशाली अपने सूर्या को हमेशा के लिए भूल चुकी है, और अब मैं सामने भी आया तो पहचाने की नहीं। से पता है मैं क्या हो जाऊंगी, मिसेस सूर्या। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा हाथ छोड़ो, कार्तिक देख लेगा। अरे यहाँ कोई नहीं है सूर्या, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हो लगता है तुम उसे भी भूल गई। हे कार्तिक, इस बार ये तुझे भूल गई यार। यहाँ पर कोई भी नहीं है सूर्या, तुम किससे बातें कर रहे हो? दिखता नहीं क्या वो सामने खड़ा हुआ है? क्या कहा? बेचारा तुम्हारा पीछा कर करके पागल हो गया। क्या था वो? हाँ, रेट्रोगेट। सॉरी, भूल गया था मैं।
ए, तुम क्यों रो रही हो उसके लिए? हाँ, दीवानों की तरह तुमसे प्यार करता था, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। रोना तो उसे चाहिए, तुम क्यों रो रही हो? अपने आंसू पोंछ रहा, मुझसे देखे नहीं जा रहे। गुड, तुम्हारे प्यार के खातिर मैंने सूर्य का वजूद ही मिटा दिया और कार्तिक को पैदा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या गलती हो गई थी मुझसे? समझा, इम्तिहान ले रही थी मेरे प्यार का, और मैं बेवकूफ ये भी मान गया कि तुम्हें एम्नेशिया की बीमारी है। चलो मुझे किनारी है, मुझे खुद से भी और तुमसे भी। सूर्या, इस पूरी झूठी कहानी में मुझे एक बात की तो खुशी है कि तुम्हें कोई रेट्रोगेट की बीमारी नहीं है। वैशु, क्या हुआ? वैशु, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा मेडिकल कॉलेज? क्या बेहुदा सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज। प्लस टू? अल्विया कॉन्वेंट। और हाई स्कूल? कोशिश करो वैशु, वो अपने स्कूल का नाम भी भूल गई थी, याद करने की कोशिश करो प्लीज। याद नहीं आ रहा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में O for ऑरेंज, P for फोन, S for स्टेथोस्कोप, T for थर्मामीटर। क्या मुझे फिर से बता सकती हो? O for वैशु, O for ऑरेंज, S for P for वैशु, P for फोन। वैशु, कितनी बार तुमसे कहा है मुझे फोन मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। पीछा छोड़ दो मेरा, फोन मत करना। बेचारा सूर्या, अगर इस तरह जिंदा रहना तो इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। जब उसे पता चला कि उसकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है, तब उसे तुम्हारी चिंता होने लगी। उसे लगा कि वो तुम्हें भुला देगी, और यही डर उसे मार रहा था। वो मुझे झूठ कहती रही कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें सच बताया। उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हें भूल चुकी है। उस समय के लिए वो झूठ था, लेकिन अब सच्चाई यही है। सच्चाई जानने के बाद क्या तुम उसे इस हालत में छोड़ दोगे? सूर्या, क्या भी तुम वैश्य को इस हालत में अपनाओगे? प्यार करते हो? याद है ना मैं कौन हूँ? सूर्या मेरे पति। बहुत पापड़ मिले आज के दिन के लिए। नहीं, चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो तुम।